केमिकल टैंकर में लगी विश्वनाग चूहा, ये बड़ी खबर। बाड़मेर से केमिकल टैंकर में लगी विश्वनाग, आपको जानकारी दें कि बाड़मेर से ये बड़ी खबर, केमिकल टैंकर में विश्वनाग लग गई है और देखते देखते आग ने विकराल रूप भी ले लिया। एक होटल के पास खड़े टैंकर में विश्वनाग लगी है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर वाहनों की दोनों साइड लंबी लंबी कतारें लग चुकी है, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू भी पाया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, केमिकल टैंकर में विश्वनाग लगी, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना सामने आ रही है, आपको जानकारी दे कि दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लग चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हो किस तरीके से अंबार जो है धुएं का यहाँ पर उठ चुका है और लगातार आसपास के इलाकों में हड़कंप भी मचा हुआ है। तमाम जो दमकल कर्मी है वो यहाँ पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की जो पूरी कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू भी पा लिया। कड़ी मशक्कत के बाद कल्याणपुर थाना क्षेत्र के डोली थवा रोड की घटना सामने आ रही है, जहां पर केमिकल टैंकर में विश्वनाग लग गई थी। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए। गौतम, क्या अपडेट सामने आ रहा है, क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही है? जी सचिन, मैं बताना चाहूंगा कि ये देर रात की घटना है, करीब 12 बजे की घटना है। तेल का टैंकर था, वो कल्याणपुर से जोधपुर की ओर जा रहा था और बीच रास्ते में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई। आग लगने के कारण दोनों तरफ हाईवे पे बड़ा जाम लग गया। कल्याणपुर SHO वहाँ मौके पर पहुंचे और दमकल की गाड़ियां एक बालोतरा से और दो जोधपुर से मौके पर पहुंची और एक घंटे के बाद आग पर काबू पाया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।